हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए, मैं आज फिर आपके सामने लेकर आई हूँ यूपीपीएससी मेंस 2018 की सीरीज़ में एक नया वीडियो जो है जनरल स्टडी पेपर 4 के सिलेबस के बारे में। इसके बारे में पूरी प्लानिंग करेंगे, बुक्स के बारे में डिटेल जानेंगे, पूरी स्ट्रेटेजी बताएंगे और जो भी इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम की बात करेंगे हम इसके अंदर। आगे बढ़ने से पहले हम नए सब्सक्राइबर का स्वागत करना चाहते हैं अपने चैनल पे, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और इसी तरह की वीडियो उन्हें देखने को मिलेगी। एथिक्स का पेपर, पेपर नंबर 4, जो हम नाम से जानते हैं एथिक्स, जिसे हिंदी में नीति शास्त्र कहते हैं। नीति शास्त्र नाम से ही लग रहा है नीतियों का शास्त्र, नीतियों का अध्ययन करना। नीतियाँ जो हम बचपन से लेके बड़े होने तक अपने, जो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं बढ़ते हैं तो हर एक नीति हम सीखते हैं। हमारे से लोग कहते हैं ऐसा मत करो, ऐसा करो, ये नीति के विरुद्ध है, ये नीति के अनुकूल है, तो यही है नीति शास्त्र। अब तक हम लोग उसे अपने व्यवहार में यूज़ करते थे, अब हम उसे स्टडी के रूप में लेकर आएंगे, यूज़ करेंगे, हम उसकी पढ़ाई करेंगे। यूपीपीएससी ने एथिक्स का पेपर क्यों डाला? क्योंकि हम लोग सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं, लोक सेवक बनने वाले हैं, तो लेख सेवक को एक उसको नीति शास्त्र का अध्ययन होना चाहिए, उसको ऐसा एटीट्यूड अपनाना चाहिए कि उसे लोगों से बिहेव करना है, उसे लोगों से जुड़ना है, उसे लोगों के लिए काम करना है, तो उसका एक एटीट्यूड, ऐसा अप्रोच होना चाहिए, ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए ताकि वो लोगों के बीच रहकर लोगों के लिए काम कर सके। इसीलिए ये एथिक्स का पेपर जोड़ा गया है इस मेंस के एग्ज़ाम के लिए। तो एथिक्स बहुत ही इजी है, आप नाम से तो लगता है, और इसकी टर्मोलॉजी सिलेबस की है इतनी अजीब है, या अजीब तो नहीं कहूँगी, हाँ इतनी हार्ड है कि जैसे लगता है कि इसमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अगर इसकी बेसिक नॉलेज आप लोगों को समझ में आ गई, तो एथिक्स से इजी कोई सब्जेक्ट नहीं है। इसका सिलेबस बहुत ही कम है, बहुत ही कम, और इस सिलेबस के अंदर अगर आपने बेसिक समझ लिया तो अपने शब्दों में इसको लिखकर आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। जीएस पेपर की तरह ही इसकी मार्किंग भी है, ये भी 200 नंबर का ही पेपर आता है, पर इसका सिलेबस इतना कम है और इसकी मार्किंग भी अच्छी होती है। अगर आपने इसे अपने शब्दों में लिखा, बुकिश लैंग्वेज में नहीं लिखा, तो अपने शब्दों में लिखने के लिए इसे समझने की ज़रूरत पड़ेगी। जो मैं आपको इसकी सीरीज़ कराऊंगी, जनरल स्टडी पेपर 4 मैं आपको खुद कराऊंगी, एक एक टर्मोलॉजी कराऊंगी, एक एक चीज़ समझा के कराऊंगी, ताकि आप बिल्कुल अपने दैनिक जीवन से जो जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं उसको जोड़कर आप एथिक्स पढ़ें, तो कोई भी चीज़ आप नहीं भूलेंगे और पेपर में लिख कर आएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं, एथिक्स की सिलेबस के ऊपर चलते हैं। तो एथिक्स के सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है और हम इसे कहाँ से पढ़ सकते हैं? तो इसमें जो पर्टिकुलर बुक्स तो हैं, इंग्लिश में काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, लेक्सॉन की बुक्स हैं इंग्लिश में और सुब्बा राव की बुक्स हैं, लेकिन हिंदी मीडियम के लिए मुझे बहुत अच्छी कोई बुक नहीं मिली। आईएएस दृष्टि के नोट्स अच्छे हैं, बट आईएएस दृष्टि के नोट्स बहुत वास्ट हैं, मुझे उसकी लैंग्वेज बहुत हार्ड लगती है, समझ में जल्दी नहीं आती हैं। तो आप लोग पे डिपेंड करता है कि आप अगर समझ सकते हैं, कर सकते हैं, तो दृष्टि के नोट्स हिंदी में करिए, नहीं तो मैं भी आपको नोट्स प्रोवाइड कराने की कोशिश कर। इंटरनेट का इसके लिए सहारा लिया जा सकता है टर्मोलॉजी को डिफाइन करने के लिए। तो इसका सिलेबस पहले हम देख लेते हैं, फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि इसके लिए आप क्या क्या पढ़ सकते हैं, क्या क्या बुक्स यूज़ कर सकते हैं और कहाँ से एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग कर सकते हैं, किस किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। पहले हम लोग पूरा एक बार सिलेबस देख लेते हैं। नीति शास्त्र तथा मानवीय अंतरापृष्ठ, तो जैसे लैंग्वेज इसकी काफ़ी टफ है लेकिन अंदर बहुत ही इजी है, अगर आप लोग को समझ में आ गया तो आप अपनी लैंग्वेज में आंसर बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो इसमें संबंध, मानवीय क्रियाकलाप में नीतिशास्त्र का सारत्व, इसके निर्धारक और परिणाम, नीतिशास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र, मानवीय मूल्य, ये नेक्स्ट टॉपिक है इसी में, महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा। अब ये देखिए, महान नेताओं, सुधारकों, प्रशासकों, इसमें स्पेसिफिक कोई नाम नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि जितने लोग हैं सारे पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन नहीं, हम लोग इतने नहीं पढ़ेंगे, जो मेन है, जैसे कि अरविंद घोष, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, इन लोगों की जीवनियाँ पढ़ेंगे, इन लोगों के उपदेश पढ़ेंगे, महावीर, गौतम बुद्ध, इन सब के बारे में जानेंगे जो बहुत बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं।
वैसे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम कुछ लिमिटेड ही करेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा हम लोग नहीं कर सकते इसमें। आगे, मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका। ये सब अलग अलग टॉपिक है, इन अलग अलग टॉपिक पे मैं अलग अलग कराऊंगी और अलग अलग नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी नेताओं, समाज सुधारकों की। मैं खुद आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी पर्सनली। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, अभिवृत्ति। अभिवृत्ति क्या होती है? एटीट्यूड। अभिवृत्ति को इंग्लिश में कहते हैं एटीट्यूड। इसकी कंटेंट इसका क्या है? संरचना, कार्य, विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध, नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और सहमति पैदा करना। सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता तथा गैर तरफदारी, वस्तुनिष्ठता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्ग के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता और करुणा। ये सारी चीज़ें एक सिविल सर्वेंट में होनी चाहिए, इसलिए आप लोगों को ये चीज़ पढ़ाई जा रही है कि सत्यनिष्ठा क्या होती है, निष्पक्षता क्या होती है, गैर तरफदारी, वस्तुनिष्ठता ये सब होती क्या है, और एक सिविल सर्वेंट में ये होना क्यों ज़रूरी है। ये सारी टर्मोलॉजी आपको डिफाइन होनी चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए और इसके बारे में एक बेसिक समझ होनी चाहिए। सिंपल डेफिनेशन आपसे पूछेंगे और उसके बारे में कार्य, विशेषताएं, हानियां, लाभ, यही सब आपसे पूछेंगे। इसके अलावा बियॉन्ड कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, तो ये सब मैं आपको करवाऊंगी। नेक्स्ट टॉपिक है संवेगात्मक बुद्धि। अवधारणाएं तथा आयाम, प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनकी उपयोगिता और प्रयोग, भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों का योगदान। अब ये भी देखिए बहुत ही वास्ट टॉपिक है, भारत के तो पूछे ही, साथ में विश्व के भी पूछ लिए, जैसे कांट हो गया, रूसो हो गया, इनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा और इनके दार्शनिक विचार पढ़ने पड़ेंगे, तो ये भी काफ़ी हद तक हम कोशिश करेंगे कि पूरा करवाएं आपको। नेक्स्ट है लोक प्रशासकों में लोक सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र। तो सारा आपके प्रशासन से जुड़ा हुआ है, आप एक सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपको लोगों से कैसे टैकल करना है, अपनी आपकी नैतिक जिम्मेदारी क्या है, आपकी दुविधाएं क्या है, आपकी अंतरात्मा और जैसे कि नैतिक सरोकार, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या होता है। अब तक ये पेपर UPSC में नहीं था, लेकिन अब जोड़ा है तो काफ़ी कुछ चेंज हुआ है पैटर्न में, काफ़ी कुछ सोच के UPPSC वालों ने ये जोड़ा है। इसमें स्थिति तथा समस्याएं, सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक सरोकार तथा दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, नियम, नियमन तथा अंतरात्मा, जवाबदेही तथा नैतिक शासन व्यवस्था में नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था में नैतिक मुद्दे, कॉरपोरेट शासन व्यवस्था। ये सारा टॉपिक आपको करना पड़ेगा। मैं लास्ट में ज़रूर बताऊंगी कि आप ये कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, स्पेशली हिंदी मीडियम वाले कहाँ से कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो बुक्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है शासन व्यवस्था में ईमानदारी। लोक इसमें क्या है, इसके अंदर सब टॉपिक आता है, लोक सेवक की अवधारणा, शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नीति परक आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियां और उपयुक्त विषयों पर केस स्टडी। ये नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ गलती से ऐड हो गया, ये इसमें नहीं है, ये नेक्स्ट टॉपिक में आएगा। तो ये सब इसके सिलेबस से आगे बढ़ते हैं। पर मामला संबंधी अध्ययन, केस स्टडी ऑन इश्यूज रिलेटेड अबव। जितने भी ऊपर हमने टॉपिक सिलेबस में आपको बताए हैं, चाहे वो ईमानदारी है, चाहे वस्तुनिष्ठता है, सत्यनिष्ठा है, लोक सेवक के कार्य हैं, समर्पण है, जो भी चीज़ें हमने ऊपर पढ़ी हैं सिलेबस में, उसके ऊपर आपको केस स्टडी लिखनी आनी चाहिए। आपको टॉपिक देंगे और कोई एक सिचुएशन देंगे, उस सिचुएशन को आप कैसे टैकल करेंगे, तो ये आपके विवेक पे निर्भर करता है। आप लोग कैसे सोचते समझते हैं, आप कैसे सिचुएशन को एनालिसिस करते हैं और उसके ऊपर अपने कैसे जवाब देते हैं, ये सब आप पे डिपेंड करेगा। तो अगर आपने ऊपर के सब्जेक्ट्स को, सिलेबस को अच्छे से स्टडी किया है तो आप उसके अकॉर्डिंग आंसर दीजिए। एक सिविल सर्वेंट को बिल्कुल निष्पक्ष होकर जवाब देना चाहिए, किसी भी पक्ष में उसे रह के जवाब नहीं देना चाहिए। तो जब भी आप केस स्टडी सॉल्व करें, एक सिविल सर्वेंट की तरह सॉल्व करें कि मैं एक अधिकारी हूँ और मैं इस केस में क्या क्या स्टेप उठाऊँगा।
तो केस स्टडी पे भी मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगी कि केस स्टडी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसमें क्या क्या स्टेप उठाने चाहिए, कैसे लिखना चाहिए और कितने मार्क्स के क्वेश्चन में कितने वर्ड लिमिट होनी चाहिए, ये सब मैं आपको बताऊंगी। और कुछ एग्जांपल्स भी आपको केस स्टडी को दूंगी कि आप लोग कैसे केस स्टडी सॉल्व कर सकते हैं, एग्जांपल के साथ मैं आपको बताऊंगी। तो ये आपका सिलेबस हो गया। चलिए आगे मैं आपको बताती हूँ आप क्या क्या बुक्स पढ़ सकते हैं इसके लिए। सबसे पहले आप उठाइएगा पॉलिटिकल थ्योरी राजनीतिक सिद्धांत एनसीईआरटी की 11th क्लास की बुक। ये काफ़ी अच्छी बुक है कि इसको समझने के लिए, एथिक्स के पेपर को समझने के लिए। हाँ, इसमें आपको टॉपिक्स नहीं मिलेंगे सेम टू सेम जो इसमें दिया हुआ है, लेकिन अगर आपको एथिक्स समझना है, क्योंकि नया पेपर है, किसी ने कभी कुछ पढ़ा नहीं है इसके बारे में, बस हम लोग अपने बिहेव में यूज़ करते हैं लेकिन जब उसे रिटर्न करने का टाइम आता है तो वो नहीं लिख पाएंगे। इसके लिए आप अपने पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए पॉलिटिकल थ्योरी राजनीतिक सिद्धांत एनसीईआरटी की बुक से। सेकंड, हिंदी वाले लोग सेकंड एआरसी रिपोर्ट देख सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मौजूद है स्टेट। इसमें उनकी कार्य संरचना सबके बारे में दिया हुआ है, लोक सेवक की हर एक चीज़ों के बारे में इसमें दिया हुआ है। तो इसे आप पढ़िए, इसे थॉरली रीड करिए और इसमें से आप अपने नोट्स बनाइए, इसमें से आप कर सकते हैं। इसमें जो सिलेबस में टर्म्स दी गई हैं, जैसे सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, समर्पण, ये सब टर्म्स आप इंटरनेट के यूज़ से डेफिनेशन इनकी निकालिए और इसे लिखिए अपने नोट्स के। बाकी मैं इसके नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगी, इसलिए आपको परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इस पेपर के लिए। करंट अफेयर्स में, इस पेपर में वैसे करंट अफेयर्स का ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी आपको एग्जांपल्स देने हैं वो करंट से रिलेटेड, अगर आप एग्जांपल देंगे तो आपके मार्क्स बहुत बढ़ सकते हैं। इस पेपर में मेन आप डेफिनेशन लिखिए, लेकिन जो भी एग्जांपल देंगे वो आप आदर्श बातों को ना देकर आपके आसपास में जो चल रहा है उसके ऊपर एग्जांपल देंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसके लिए मैं आपको करंट से जुड़ने को कह रही हूँ। करंट में जैसे कि कठुआ कांड हो गया, उसके बारे में आप एग्जांपल दे सकते हैं। जिस हिसाब से क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे इसमें। यूज एग्जांपल्स, इसमें मेन रोल एग्जांपल का ही होता है। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया और उस पे उस क्वेश्चन में आप विद एग्जांपल उसका आंसर राइटिंग करते हैं तो आपको और उससे डबल मार्क्स मिल सकते हैं और उससे ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। तो टॉपर्स यही करते हैं, टॉपर्स अपने हर एक आंसर में एथिक्स के पेपर में एग्जांपल देते हैं और एग्जांपल भी आदर्श एग्जांपल ना देकर अपने आप से जुड़े हुए एग्जांपल देते हैं, धरातल से जुड़े एग्जांपल ही देते हैं। तो आप इसमें एग्जांपल का यूज़ करिए, जब पेपर लिखेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा कि इसमें क्या एग्जांपल कहां पर डाला जा सकता है। सॉल्व वेरियस केस स्टडीज़, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको इस पेपर के लिए केस स्टडी सॉल्व करने की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि यूपीएससी में देखा जाता है केस स्टडी काफ़ी मार्क्स की आती है, एमपीपीएससी में भी दो केस स्टडी दी गई है, काफ़ी मार्क्स की, एक 30 की, एक 35 मार्क्स की केस स्टडी दी जाती है। तो इसीलिए केस स्टडी की बहुत अहम भूमिका है इस एथिक्स के पेपर में। तो केस स्टडी आपके खुद की समझ पर डिपेंड करती है कि आप किसी भी सिचुएशन को कैसे देखते हैं। तो अगर आपने ऊपर का सिलेबस पूरा पढ़ लिया तो आप केस स्टडी बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम सिलेबस ख़त्म करेंगे, उसके बाद केस स्टडी पर आएंगे। तो ये सब चीज़ें देखने के लिए आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और हमारे चैनल को शेयर करें, क्योंकि कई लोग हैं जो आर्थिक सिचुएशन की वजह से कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाते, उन्हें गाइडेंस नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को शेयर करें, ताकि जिन लोगों को ज़रूरत हो उन लोगों को हमारा ये वीडियो मिल सके, उन लोगों को गाइडेंस मिल सके कि कहाँ से क्या चीज़ तैयार की जा सकती है। और कोई चीज़ शेयर करने से बढ़ती है, ये आप लोगों को भी पता है। एक बात और आप लोगों से मुझे करनी है कि आप लोग हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि पीडीएफ मैं उसी पेज पे आपको दूंगी। ये फेसबुक पेज का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ जाके उस पे क्लिक करके आप ज्वाइन करिए हमारे पेज को। और पीडीएफ जो भी हम क्लासेस आगे लेंगे तो उसी क्लास की पीडीएफ या सिनॉक्सिस जो भी होगा हमारे पास मौजूद, सब आपको हम शेयर करेंगे। और ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है हमें कमेंट कीजिए, हम ज़रूर उस पर वीडियो बनाएंगे और हर एक क्वेरी का आपका हम आंसर देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हर एक क्वेरी का आपको आंसर मिलता है। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, होप आपको पसंद आई होगी।
हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है, आपके सब्सक्रिप्शन से हमें ये चीज़ पता लग रही है। तो ऐसा ही प्यार बनाए रखिए, हमें अपना साथ ऐसे ही देते रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।